Hello and hi listeners, guys and girls, ladies and gentlemen, old and young, friends and mates, handsomes and samars. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and assalamu alaikum. आवाज ग्रुप ऑफ रेडियो 105 के लास्ट स्टूडियो से हवाओं के दौर से आपकी समातों से टकराती हुई ये आवाज इमरान की है. यस 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 इट्स मी बताना चीज को इमरान कहते हैं, बट यू कैन कॉल मी मानी. सामीन आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फैट, कुछ बाल फाइन शाइन, हैप्पी वप्पी लाइन चिकास बिंदास एंड ओके शोके हूँ. होप सो कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जस्ट लाइक मी, बिल्कुल मेरी तरह हंसते मुस्कुराते होंगे और लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे. आज ऐसे हंसते रहे, बसते रहे, बात रहे, खुश रहे एंड मुस्कुराते रहे. और इसके साथ एक मैसेज, एक पैगाम, एक संदेशा उन लोगों के लिए जो इस वक्त हैं ड्राइव और एंटर हो रहे हैं सरजमीन जंग में, उन्हें कहना चाहूंगा खुश आमदीद, वेलकम, जी आनो एंड सत बिस्मिल्ला. और जो किसी भी काम के सिलसिला में सरजमीन जंग से जा रहे हैं बाहर, थोड़ा दूर, थोड़ा पड़े, थोड़ा हट कर, उन्हें कहना चाहूंगा खुदा हाफिज, हाफिज, गुड बाय एंड टाटा. ये समय इस वक्त आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड यू आर, इफ यू आर हाउसवाइफ, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप हाउसवाइफ नहीं हैं, आप कुंवारे हैं, आप शादीशुदा हैं, जो भी हैं, आप अम्मा हैं, चाची हैं, ताया हैं, दादा हैं, दादी हैं, नानी हैं, फुफी हैं, ताई हैं, आप जो भी हैं, जहाँ भी बैठे हुए प्रोग्राम को एंजॉय करें, आई थैंक यू ऑल विद द कोर ऑफ माय हार्ट एंड वार्मली वेलकम टू रेडियो वाज एफएम 105 एंड आई एम योर मेजबान, आई एम योर होस्ट, आई एम योर दोस्त. यस यस यस, पीपल कॉल मी मानी एंड यू कैन कॉल मी इमरान, क्योंकि मैं हूँ आपका मेजबान. सो आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि दिस प्रोग्राम इज टोटली फुली कंप्लीटली एंड प्रॉपरली फॉर यू, फॉर मी एंड फॉर अस एंड फॉर आवर रिलेटिव्स, फॉर आवर फ्रेंड्स एंड आवर बिलव्ड वंस. हम जिनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए भी है. आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा की तरह आपको दो तरीके नहीं बल्कि तीन तरीके अडॉप्ट करने होंगे. पहला तरीका ये है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने का नंबर 0477625039 है. अनफॉर्चुनेटली आज आप मुझे कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज मैं किसी की कॉल लेने के मूड में नहीं हूँ. दूसरी बात यह है कि आप मुझे मैसेज कर सकती हैं. मैसेज करने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कीजिए, उसके राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, जीएच टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखें, पैगाम लिखें, फिर इसे सेंड कर दें 4471 पर. सिंपली ये कि आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आकर जेएच और स्पेस दें और कोई भी मैसेज लिखें और 4471 पर भेज दें, तो आपका मैसेज, आपका वो इलेक्ट्रॉनिक कबूतर भागता हुआ, उड़ता हुआ, दौड़ता हुआ, किसी भी तरह से किसी भी मुश्किल का सामना करते हुए मेरे तक आसानी से पहुंच जाएगा और वो आपका पैगाम, आपका संदेशा मैं आपके प्यारों तक, आपके चाहने वालों तक पहुंचा दूंगा. और इससे भी सस्ता तरीन तरीका ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें YouTube पर एंजॉय कीजिए और लाइव प्रोग्राम के मजे लीजिए. आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, मेरी ब्यूटी, मेरी खूबसूरती, मेरी बातें, सब कुछ मुझे लाइव भी सुन सकते हैं. उसके लिए ये है कि अपने जो है YouTube पर सर्च में रेडियो वाज FM 105 जंग लिखिएगा और बंदे ना चीज फौरन से एकदम से ब्लू शर्ट पहने हुए आपके सामने नमूदार हो जाएगा और ब्लू शर्ट के ऊपर कुछ व्हाइट से डॉट्स बने होंगे. आपको फौरन से अंदाजा हो जाएगा कि आज ये मानी है, साथ डेट मेंशन होगी. और फौरन से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही फिर बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, हमारी वीडियो ज्यादा क्लियर आपको दिखाई देगी. और इस सारी काविश में हमें जो YouTube पर लाने के लिए, हमारे चैनल को क्रिएट करने के लिए ना सिर्फ रेडियो वाज एफएम 105 का बहुत बड़ा हाथ है बल्कि हमारे जो है यहाँ के टेक्निकल इंजीनियर SD उदास की पूरी बाह है इसमें, यानी पूरा बाजू है, पूरा हाथ है इसका. और जनाब ये ना हो तो फिर रेडियो बड़ा अधूरा लगता है, बड़ा जो इनकम्प्लीट सा लगता है. इनकी मेहरबानी, ये वो चांद है जो चमकता है तो सितारे भी साथ चमक उठते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें चांद कौन है. चांद जी मैं हूँ. मतलब कि मैं ही हूँ. ये सामीन वो कहते हैं कि एक कमी थी ताजमहल में, एक कमी थी ताजमहल में, मैंने तस्वीर अपनी लगा दी. ये सामीन आज का टॉपिक, आज की बातें सारी आपके लिए होंगी. आज का पैगाम जो है आपके लिए होगा, आज का मैसेज, आपके संदेश है आपके लिए होंगे. आज के प्रोग्राम में आप मुझे अपनी पोएट्री सेंड कर सकते हैं, अपनी पसंद की वो लाइंस जो आपने बहुत संभाल के रखी होती हैं किसी के लिए, कोई एक ऐसा शेर हो जो आपको बहुत पसंद हो, सेंड मी द मोस्ट फेवरेट पोएट्री
ऑफ योर ओन और या कोई भी पोएट्री जो आपको बहुत पसंद है, आप किसी भी शायर को पसंद करते हैं, किसी भी शायर का कोई शेर जो बहुत हार्ट टचिंग हो और अक्सर आप किसी को भेज देते हो लेकिन मैं किसी को नहीं भेजता हूँ, कोई एक होता है समवन स्पेशल इन लाइफ जिसको भेजना चाहिए, हर जगह जगह मुंह नहीं मारना चाहिए। कहते हैं कि नवे नवे ना यार बनाइए वन कमीने अलोका, एक जुमला उन लोगों के लिए जो नए नए यार बनाते हैं, नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं। हाय कहते हैं हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं, फकत एक ही शख्स को महबूब बना रखा है, हम एक ही महबूब होना चाहिए, एक से ही बातें होनी चाहिए, एक से ही मोहब्बत होनी चाहिए, और इधर उधर से तो हाय देखने से किबला बदलने से ना वो इबादत रहती है, ना वो मजा रहता है, ना वो जिंदगी का चार्म रहता है, ना वो इंसान रहता खीर है। फिर इधर उधर सताई जाती है लोगों की तरफ से, वो खीर खा वो लेने कहते हैं कि ये एक शायर है, मैं बताता हूँ, ये जिधर देखते हैं ना, ये जब तक इस दुनिया में हसीन चेहरे हैं ना, खूबसूरत चेहरे लाइक मी जैसे मैं हूँ, तो मोहब्बत किसी की कंप्लीट नहीं हो सकती, मोहब्बत इनकम्प्लीट ही रहेगी। वो कहता है कि ये जो चेहरे हैं ना, चांद से चेहरे ताबिश, ये मेरा इश्क मुकम्मल नहीं होने देते। कहता है कि मुझे एक खूबसूरत चेहरे से मोहब्बत होती है और मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा है, उससे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे उससे भी प्यारा चेहरा नजर आ जाता है तो मेरी मोहब्बत उधर डाइवर्ट हो जाती है। तो जब तक ये खूबसूरत चेहरे हैं, ये मोहब्बत ऐसे ही रहेगी। और इसकी बात ये देखे हैं मोहब्बत के बहुत से हंगामे, आगाज भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई, मोहब्बत में तो सिर्फ रुसवाई है, लेकिन नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम ये जो है रिवायत बदलेंगे, हम ये रिवायत तोड़ेंगे, हम जनाब मोहब्बत भी करेंगे और हम अपना किबला भी दुरुस्त रखेंगे, हमारी मोहब्बत भी एक से रहेगी और सब कुछ एक से ही होगा, ऐसा होना चाहिए। और आई थिंक सो के जो नवे नवे ना यार बनाइए वाण कमीने आलोका, एक ही मैंने बात कही है, आपने सिर्फ बताना कि क्या ये मैंने बात सही कही है या मैंने बात नहीं सही की है। इंसान को दोस्त बदलने चाहिए, इंसान को यार बदलने चाहिए, या फिर कुछ भी है, अगर इफ यू डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक देन यू हैव टू सेंड अ सिंगल मैसेज ऑफ योर फेवरेट द मोस्ट फेवरेट टू मी, एंड इन रिटर्न बदले में एक शेयर मेरी तरफ से आपके लिए होगा। सो आज के जो है प्रोग्राम की खास बात यह है कि आज के प्रोग्राम में मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, एग्जॉस्ट नहीं होने दूंगा, और अगर आप हमें यूट्यूब पर जो है फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट वो ये कि अपनी जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी कॉलेज मेट्स हैं, आपके स्कूल मेट्स हैं, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी मेट्स हैं, उनको प्लीज़ ये ज़रूर कहें कि रेडियो वाज़ FM 105 झंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी साथ साथ ज़रूर कीजिएगा, उसमें हमारी जो अपडेट्स हैं ऑटो आप तक पहुँचती रहेंगी। ये काम आपने इफ़ यू आर वेरी सिंसियर लिसनर, अगर आप बहुत ही मुखलिस लिसनर हैं तो आपको ये करना होगा, यू हैव टू डू दिस। सो आर्जुमानी आपके साथ है एंड आई वांना रियली वांना टॉक टू यू ऑन रेडियो ऑन 4471 एंड विया यूट्यूब। यूट्यूब पर जो है मैसेजेस मुझे वो बिल्कुल रिसीव होने शुरू हो चुके होंगे, यूट्यूब पर जो मैसेजेस मुझे आएंगे और आते रहेंगे, कुछ आ भी चुके हैं लेकिन उनको भी हम जरूर अनाउंस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ सामिन, ब्रेक के बाद लौट किया तो मेरे साथ ठीक इस ब्रेक फॉर मे ऑल लिसनर्स एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, 1 2 3 हियर वी गो। हेलो यूट्यूबर्स, हाउ आर यू पाकिस्तान, इट्स मी, यस 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 यस। ओ यहाँ पर आपके जो कुछ मैसेजेस हैं उनको मैं जरूर यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा, जो मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं मुझे तो वो बहुत पसंद है, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो यूट्यूब वो सामने फॉलोअर्स, पड़ी यस हेयर इज एसटी ने मुझे यहाँ पे गाइड कर दिया है कि वो सामने पड़ी है, और सामने क्या पड़ी है मुझे नहीं पता था, लेकिन इससे पहले वो हमारे वीडियोस पर भी एसडी, क्या बात है क्या बात है, हमारी वीडियो पे भी एड्स आती हैं, क्या बात है भाई। यस कुछ मैसेजेस हैं जो मेरे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्जुमानी, आई लव योर वॉइस, इट्स शफकत हुसैन, थैंक यू वेरी मच ब्रो, और थैंक यू वेरी मच जी, अगर आपको हमारी आवाज़ बहुत पसंद है तो देन मुझे आप सब का इखलाक, आप सब की बातें भी बहुत पसंद है। खैर यहाँ पर मेरे साथ हैं तहमीना मलिक, और तहमीना मलिक इज़ द वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट गर्ल, और इसके अलावा इनकी जो मेंटेलिटी है
और ये कहती हैं कि आई एम ऑल्सो द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, आपके शो को बहुत सुनती हूँ, लाइक करती हूँ, और आपके शो को सुनने के साथ साथ कहती हैं कि मैं बहुत सारा मटेरियल आपका थेफ्ट मटेरियल जो है यानी चुराया हुआ, आप मुझे कह रही चुराया मटेरियल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अपने थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए तहमीना मलिक, आपको यहाँ पर जो मटेरियल मिला जाता है वो हमारा अपना होता है, हमारा खुद ओन क्रिएटेड होता है, अगर आप उस पर जो मतलब सेटिस्फाई हैं तो देन वेल एंड गुड, होना भी चाहिए ऐसा। तो कहती है ना जाने क्या सीहर है, ये सीहर जादू होता है, एक वर्ड सहर होता है, सहर सुबह को कहते हैं, मॉर्निंग को कहते हैं, लेकिन ये कहती है ना जाने क्या सीहर है उस शख्स के नाम के हुरूफ में कि उसका नाम सुनते ही मेरे लब मुस्कुराते हैं। हाय क्या बात है, क्या बात है। मेरे साथ है जी भंगू प्रोडक्शन शोरकोट से, अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, ये भंगू प्रोडक्शन क्या होता है भाई? कास्ट है तो अच्छा भंगू, उसके अच्छा भंगू ये कैस्ट है, ओके। तमीना मलिक कहती है एस डी हाउ आर यू, एस डी भाई आप भी बता दें कैसे हैं आप जनाब, अलहम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। इनका क्या हाल पूछती हो, मेरी बहन शादी करवाना चाहता है वो एक गलती है ना कि मुझे पता है, लेकिन तमीना ये मैंने मेरी बहन तमीना आपको नहीं मैंने कहा कि आप ना इस पे सीरियस हो जाएं, मुझे हाँ बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि हमें बहन नहीं कहना है आपने, यस बिल्कुल आप तो हो ही नहीं सकती किसी सूरत भी, और तमीना कहती हैं कि होप सो यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड एंजॉय योर लाइफ इन ईटिंग डिफरेंट मील्स। एस डी तेरा इसको कैसे पता कि तू बहुत खाता है मेरे ख्याल तो यू यूट्यूब पर फैनता होगा ना खाने वाली अपने वीडियोस, तो बहुत शरारती हो गया। आरजे पोएट्री फॉर यू, मैं इरादतन बाजी हारती हूँ आपकी मुस्कुराहट से, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हाय थैंक यू मची, वेलकम टू लाइव चैट एंड ओके। तहमीना मलिक कहती हैं आरजे अकॉर्डिंग टू मी नो शुड वन ट्राई टू चेंज हिज हर स्पेशल वन एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, मैं तो हमेशा ठीक बातें करता हूँ। वसीम अकर मेरे साथ हैं, कैसे हो आप, मैं आपको दुबई से सुन रहा हूँ, वाह ये तो मैं ऑनलाइन भी बोलूंगा ना। और तहमीना मलिक कहते हैं ओह रियली आरजे गुड, आई हैव नोटिस यू आर टोटली चेंज नाउ, अब आप मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुके हैं, क्यों अब मेरे सींग निकल आए हैं, अब मैं जानवर बन गया हूँ, अब मैं इंसान नहीं रहा हूँ, कौन सी व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव यू सीन इन माई सेल्फ, अब मेरे मुझ में कौन सी तब्दीलियां देख चुकी हैं, एंड अकॉर्डिंग टू मी आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू मी देर इज नो चेंज इन माई पर्सनैलिटी इन माई लाइफ एंड आई एम स्टिल कुमारा। वाह भाई वाह, कैसी बातें करती हैं आप, तुम भी साजन कमाल करते हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, अच्छा ये तो मैं उधर पढ़ूंगा ना, ये तो ऐसा तो नहीं ना, फिर ये तो गलत बात है, जाने मन तेरा यूं ऑन एयर का टाइम मुस्कुराना होगा। गलत बात है। ओके जी शामिल, यहाँ पर जो है हम ऑन एयर जा रहे हैं, लेट्स एंजॉय विद मी, आइए वेरी वेलकम, खुश आमदीद जानो एंड साथ बिस्मिल्लाह वंस अगेन टू रेडियो आज एफएम 105 एंड यू ऑल लिसनिंग प्रोग्राम, जागते रहना विदार्ड के मानिए, एक बार से फिर खुश आमदीद टू ऑल। और मेरे साथ जनाब वसीम अकरम भाई हैं, कहते हैं कैसे हो आप, मैं आपको दुबई से इंजॉय कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच वसीम अकरम भाई, दुबई कैसा है, ठीक ठाक है वसीम भाई, दुबई में आना है और दुबई में मुझे ओपन बीच पर जाना है, मुझे बहुत इंजॉय करना है वहाँ पर, आईफिल टावर वहाँ पर है, वहाँ से मुझे छलांग लगानी है, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर ज़रूर हेल्प कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा वहाँ पर। और तहमीना वाले कहती है रियली आर ये गुड, आई हैव नोटिस यू आर टोटली चेंज नाउ, तो मैंने इसे कहा कि क्या मैं तब्दील हो चुका हूँ, मेरे सींग निकल आए हैं, तो क्या मैं आरजे नहीं रहा हूँ, क्या मैं इंसान नहीं रहा हूँ, क्या हो गया मुझ में, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर यू नोटिस। आखिर जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका और एसडी का, वी बोथ आर वेरी 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 गुड, हम दोनों बहुत 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 अच्छे हैं और इंजॉयिंग आवर लाइफ विद कंफर्ट एंड ईज, और कहती हैं कि दुनिया की हर चीज वार दूं तुझ पे साहिब, पर एक जान है जो वारनी नहीं आती। अच्छा क्या बात है, एक जान है जो वारनी नहीं आती, वो कहते हैं ना कि जान देंगे दिल नहीं देंगे,
कि दिल ठिकाना मेरे यार का है। हैं, थैंक यू वेरी मच। और भाई आज तबीयत ठीक नहीं है, क्यों, आज क्या हो गया आपको? आज की तबीयत, कहते हैं कि मिजाज बरहम खफा सा लहजा, मुझे बताओ कि हुआ क्या है, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कुछ तो अपना बता के जाते, और तुम जो बिछड़ो कहाँ मैं ढूंढूं, ठिकाना अपना बता के जाते। सो मेरे भी कल रात बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा शदीद, मेरे फ्लू और टेम्परेचर, लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ों को मैटर नहीं करता। रेडियो पर आने के लिए मैं बिल्कुल एक्टिव हो जाता हूँ, मेरी जितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो। रेडियो इज़ द ओनली स्टेशन, एंड मुझे अपने यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अजीज रेडियो है। मेरी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो जाए, मेरी मम्मा कहीं नहीं जाना, लेकिन मैं रेडियो जरूर जाता हूँ, बिकॉज इससे बहुत प्यार है मुझे। आई लव रेडियो आवाज़ FM 105, एंड इट्स माई पैशन, और ये मेरा जज्बा है, इट्स माई प्रोफेशन, एंड आई एम मच सिंसियर विद माई प्रोफेशन। और कहते हैं कि जी आप जुमा रात को क्यों नहीं आए थे, एसडी आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है। जी, आपने बात कही है, और सॉन्ग तो लगा दो जीशान का, जो किया मुझे दोबारा मैसेज ना करना पड़े। हाय एसडी, आपकी आवाज़ इसने कहाँ सुनी, पहले ये बताओ ना, मुझे दाल में कुछ मुझे काला काला नजर आ रहा है। नहीं अच्छा यही ना सुनी है। ओ माय गॉड, एसडी की आवाज़ बाकी बहुत प्यारी है। इवन के जो मेरी यूनिवर्सिटी के जो लड़के और लड़के, एक बार वहाँ आया एसडी, तो उन्होंने भी कहा एसडी क्या आवाज़ है आपकी भाई, उन्होंने कहा था इसने इसको गरम अंडे बेचा करो। कहा सर्दियों में अंडे बेचा करो। आप मान लें कि आप सब आरजेज बहुत अच्छे हैं, हम गुड, मान लें कि हम सारे बहुत अच्छे हैं, मेरी जान, मेरा मान लिया बच्चा, मान मेरा लिया, बेबी, माय इग्नोर इट, सोना, हम मान लिया। मान लिया हमने, हम बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया कि आपने हमें बता दिया, वरना हमें तो पता नहीं लगना था कि हम इतने अच्छे हैं। हाँ इतना तुझे मैं चाहूंगा। ओए आवाज मेरी से डरना नहीं आपने, ओके बेटा। और जी मेरे साथ कौन है, तहमीना वाली कहते हैं ओके, यहाँ पर शफकत सुल्तान कहते हैं हाय एसडी ब्रदर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं जी, थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम शफकत सुल्ताना। अच्छा ये शफकत सुल्ताना है, आई एम सॉरी, मैं शफकत सुल्तान पढ़ रहा था, आई एम सॉरी डियर, मुझे नहीं लगा, मुझे सुल्तान पढ़ दिया मैंने, मुझे नहीं पता था कि आप सुल्ताना हैं। थैंक यू मच शफकत सुल्ताना साहिबा, तहमीना उनको वेलकम लिखती हैं, अच्छी बात है। और शफकत हुसैन है इधर, कहते हैं तेरे चेहरे की रौनक से हुई है सुबह, हमारी सूरज फलक से निकला तो आप याद आए, क्या बात है, क्या बात है। आरजे कैन यू प्ले माय सॉन्ग नशा हो गया बाय सरमन कदीर एंड नसीब उलाल, आई वांट टू डेडिकेट दिस स्पेशल ट्रैक टू समवन स्पेशल। अरे गुस्ताख लड़की, ये क्या कर रही हो तुम, और किसके लिए है ये? कॉन्ग्रेचुलेशन, वाओ, आ बेबी बैंगलोर, एंड शो यू यू सेड नो, कहती नो, मैं नो क्यों बोलूंगा, मेरा क्या होगा, मतलब हमारा क्या होगा। हाय ये प्रमोशन के चक्कर में लोग मोहब्बत भूल जाते हैं। ओ हेलो, बताने आई हूँ। ओ भाई बैंगलोर जा रही है, अपने मोहब्बत को छोड़ के, अपने प्यार को छोड़ के बैंगलोर जा रही है। ये गुस्ताख लड़की मेरे पास होती तो उसको पहली की कि मैं इसको फारिग कर देता हूँ। जो मोहब्बत करना नहीं जानता, जो मोहब्बत की मीम से वाकिफ नहीं है, हम उनसे मोहब्बत कर बैठते हैं, यार कितनी अफसोस की बात है। कहते हैं मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टाइम है, पर किसी का दिल ना ढाने के, दिल विच रब वसदा है। दादू हाय नहीं, इतनी साड़ा दिल वास्ता है। ओके ये पोइट्री आपके लिए है, जिन्होंने मुझे सेंड की है। एक एक शेर, हर शख्स तो होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स तो होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते, ये तख्ते खुदा है इसे तुम पाक ही रखना, ये तख्ते खुदा है इसे तुम पाक ही रखना, हर शख्स को इस दिल में बसाया नहीं करते, और खामोशियों को जो तेरी खातिर में ना लाए, यानी जो तेरी खामोशियां ना समझ सके, वो
खामोशियों को जो तेरी खातिर में ना लाए, उस शख्स पे अल्फाज को जाया मत करना। जो इंसान की खामोशी नहीं समझ सकता, उसके वर्ड कैसे समझेगा। कर तो देखो, तहमीना मलिक कहती है आवाज ही प्यारी है एफजी की, सिर्फ वॉइस पे जाना नहीं, फेस भी इसका बहुत प्यारा है। कैसी बातें करती हैं आप। अच्छा, जोगिया सॉन्ग के लिए फरमाइश की गई थी, कर तो देखो। आइए सामीन एक सॉन्ग सुनते हैं, जो किया मेरा काम कर दे। जैसे आज दम कर दे, किया मेरा काम कर दे, कोई ए जैसे आज दम कर दे, माया याद आवे ना, ढोला याद आवे ना, याद आवे ना, ला याद आवे ना। वफा में को जा जा सुलाया गल, हम जिसनू नहीं वसाया, बेवफा में को जा जा रुलाया पागल, हम जिसनू दिल विच वसाया है, गिया मेरा कम कर दे, जैसे आज दम कर दे, मायू याद आवे ना। और ये सामीन, आज बात हो रही थी कि नवे नवे ना यार बनाइए वाण कमीने आलो का, इस पर आप क्या कहते हैं कि यार मोहब्बत रेत जैसी थी। ये कौन लड़की है लिखती है, मोहब्बत रेत जैसी थी, मुझे ये गलत फहमी थी कि मोहब्बत ढेर सारी थी, मैं दोनों हाथ भर भर कर मोहब्बत को संभालूंगी, जमाने से छुपा लूंगी, कभी खोने नहीं दूंगी, मगर मैंने इसी डर से कि मोहब्बत ही ना खो जाए, ये सब मुट्ठियां बंद कर रखी थी, मगर जब मुट्ठियां खोली तो दोनों हाथ खाली थे, मोहब्बत के सवाली थे, क्योंकि मोहब्बत रेत जैसी थी। हाय, इट्स हीरा हियर, हीरा थैंक यू वेरी मच, दिस इज फॉर यू हीरा, ये मेरी तरफ से आपके लिए, आपने गजल इतनी प्यारी भेजी है, सुनिएगा। उसे कहना सदा मौसम बहारों के नहीं रहते, उसे कहना सदा मौसम बहारों के नहीं रहते, सभी पत्ते बिखरते हैं हवा जब रक्स करती है, सभी पत्ते बिखरते हैं हवा जब रक्स करती है। ऐसे यार एक एक दौर था, मैं बड़ा छोटा सा था उस वक्त, जब मैं रेडियो आता था, मुझे आज भी याद है कि ट्राइसिकल यानी तीन पहियों वाली साइकिल पे मैं रेडियो आया करता था, और एसडी भाई उस वक्त मुझे जो है ना, मतलब खुद भी इधर अपने सर्वेंट को कहते थे और कॉफी हम पीते थे मिल के, तो अब पता नहीं इसका वो सर्वेंट मर गया है या इसके पास पैसे नहीं रहे हैं, तो क्या चक्कर है मुझे कोई समझ नहीं। आप यकीन करें, आज मुझे लास्ट टाइम वाली चाय के साथ जो किया था ना,
वही जरा कॉफी यार। नहीं आज चाय होनी चाहिए थी यार, कसम से आज मेरा बड़ा दिल है कि बनाना कुछ नहीं आता, अगर ये इसका मुलाजिम कुछ बनाता है तो बस चाय बनाता है यार। दैट्स नॉट माय लास्ट मुलाजिम, माय इन माय लास्ट रेडियो वर्कर है आपको मेरा ऑलरेडी, मतलब रेडियो का वर्कर नहीं, तेरा वो खास वर्कर है, रेडियो तो हमारी तो बात ही नहीं सुनता, हम उसे कहें चाय बना रहे तो वो आगे सलवाते सुनाता 50 है, तू उसे कह तेरा पहली खुराक पे आराम आ जाता है पहली डोज पे आराम आ जाता है तो। लेकिन ओके आज आफ्टर मैं, 11 अच्छा आफ्टर 11, या ओ माय गॉड आफ्टर 11 आई विल टेक टी, नो कॉफी ओके आई विल टेक टॉफी, या नॉट टॉफी आई लेट कॉफी, सोन हल, सोन हल तो इंग्लिश सोन हलवा सोन हलवा ही कहते क्या हैं सोन हलवा को हम सोन हलवा ही कहते हैं। और यहाँ पर कौन है मेरे साथ, तहमीना मलिक, थैंक यू वेरी मच, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया, आपकी बातों का बहुत शुक्रिया, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। लिखती हैं, मिलने को बहुत से चेहरे मिले पर तुम जैसी मोहब्बत हम खुद से भी ना कर सके। हाय हमसे जो मोहब्बत के फूल खिलते हैं ना एसडी, जो हमारे इधर आके दिल में फूल खिल जाता है ना, वो फूल नहीं मुरझाता फिर, ये हमारे दिल की खास बात है, हमारे दिल की जमीन बड़ी जरखेज है, यहाँ पर कोई भी बंदा बीज फेंक तो फूल उग पड़ता है यार तुम हंसा नहीं करो, लोग गलत समझते हैं तुम्हारी, तुम बात गलत साइड पे चले जाती है, मतलब कहने का ये है कि ये दिल सिर्फ एक बंदे के लिए, वो बंदा इस पे गुलाब फेंक दे वो उग जाता है, वो गोभी का फूल फेंक दे वो उग जाता है, वो गंदम काश्त कर दे वो हो जाती है, वो मुंजी जिसे धान कहते हैं, धान की फसल काश्त कर गन्ने नहीं उगते इधर कमल हाय कमल कीचड़ कीचड़ में उगता है ये दिल हमारा, कीचड़ हो गया। दे अरे गए यार, ये जोगी से मैंने ये काम नहीं करवाना, दफा कर इस जोगी को, दिल तोड़ता, कहता जोगी है जो काम कर दे कोई ए जो शह दम कर दे, उसका ढोला याद आ, मुझे ये बताओ कि ढोला क्यों याद ना आए, जब ढोले से मोहब्बत इतनी है, ये झंग में ढोले होते हैं, बड़े शहरों में ढोले ही होते हैं ढोले में और महबूब में सबसे कॉमन डिफरेंस पता क्या, जो ढोला थोड़ा बड़ा होता है, मोटा ताजा होता है, महबूब थोड़ा सलीम स्मार्ट होता है, इसलिए भाई मुझे ढोले में चाहिए ना, आई डोंट वांट ढोला नो ना। सो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, सामी ना मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आज का टॉपिक ये है कि एक अपनी पसंद का फेवरेट जो शेर है वो मुझे सेंड कीजिए, और दूसरी बात ये है कि हमारी यूट्यूब पर मैं कभी भी मैं ब्रेक नहीं लेता, यूट्यूब पर हम लाइव चलते रहते हैं, तो अभी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ इस तरफ, और ब्रेक के बाद लौट के मेरे साथ ही कहीं मत जाइएगा, आई विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आपके कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास, एंड आई रियली वांट टू अनाउंस दैट मैसेजेस, एंड तहमीना मेरे साथ हैं, तहमीना थैंक यू वेरी मच, कहती हैं एस जी सर आज तो आप चुप ही हो गए हैं, खैर तो है और ओके, आप सिर्फ बोलते हुए और हल्ला गुल्ला करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, एस जी ऐसे चुप बैठे हुए अच्छा नहीं लगते। हाय असल में ना इसको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस बेचारे को ना चुप मतलब ये रहता है, इसको कोई ऐसा दोस्त चाहिए जिसको चुप ना रहने दो, इसको हर वक्त कॉल करे, इससे बातें करे, डू नॉट, ठीक है ना, तो सारा कुछ मतलब वो हो एंड बड़े अच्छे वे में हो, तो उसका ढोला याद आवे ना, ओके सर तो मेरी बात सुने, आप बहुत रिस्पेक्टेबल एंड वर्दी जो लिसनर्स हैं मेरे, एंड एसडी का जो प्रॉब्लम है ना, इसका जो दर्द है ना, इसकी जो तकलीफ है दिल की, वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं समझ वो डॉक्टर नहीं समझ सकता, वो कहता है कि इसका इलाज नहीं कोई, हरबा मुझे रोग बोले, अब ये ऑब्वियसली बहुत थक चुका है, अब इसका वो नहीं रहा, वो बातें नहीं रही, अब ये बेचारा बड़ा तो परेशान बाद है, मेरे गोली मारी पहाड़ पे चढ़ गया पहाड़ पे चढ़ गया, चलो पार गया। आप यहाँ पर मुझे सारे सुन रहे हैं, रेडियो आज FM 105 इज द मोस्ट फेवरेट चैनल ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का बहुत प्यारा चैनल है और बड़ा फेवरेट चैनल भी है, और मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो आज का टॉपिक रखा है, वो कहते हैं कि नवे नवे ना यार बनाइए वाण कमीने आलोक का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होश ये चुका है हमारी सोसाइटी में कि एक पे गुजारा नहीं होता,
हम चाहते हैं कि हमारे पास एट अ टाइम 40 से 50 बंदे, एक दिल तोड़े तो दूसरे के साथ, दूसरा तोड़े तीसरे, इवन के 40 बंदे अगर एक दिन में एक बंदा भी दिल तोड़े तो तब भी उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किबला जो होता है ना वो एक ही होता है, मोहब्बत एक से होती है, एक से रखनी चाहिए। और मैं हर बार सिर्फ मोहब्बत को डिस्कस नहीं करने आता, लेकिन आपको एक लेसन जरूर दे के जाता हूँ। मेरा यहाँ पे मोटो ये है कि आपको कोई एक ऐसा लेसन दे के जाऊं कि आप उसे जिंदगी भर याद रखें। आप मोहब्बत एक शख्स से करें, एक शख्स से, आप यकीन करें उसके ऊपर वार दें सब कुछ, जो दिल करता है उस पर वार दें, उसकी सिंसेरिटी को देखते हैं। मेरे पास एक लेसन है दूं दो अभी, एक और बोले एसडी के पास एक लेसन है। कैरी ऑन में आ कैरी ऑन, मैं तो कैरी ऑन हूँ। मैं चाहता हूँ कि मतलब आपकी जिंदगी जो है ना बड़ी कंफर्ट ईज से गुजरे। आप अपनी जिंदगी में ना फ्यूचर जो है ना आपका बड़ा ब्राइट होना चाहिए, वो मेल है फीमेल है, जॉब आपके पास हो और इतनी जबरदस्त किस्म की जॉब हो कि लोग आपके पीछे हों और आप बड़े सिंसेयर बंदे हों। और यही यकीन करें जिंदगी है, और इसी जिंदगी का नाम मोहब्बत है। और सबसे पहले अपनी जिंदगी से जो मोहब्बत आप कीजिए। दे रहे हो ना उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा है, अच्छा लेसन सुनिएगा भाई, सुनना नहीं देखना। हाय ये देखेंगे लेसन है, हाँ तो लेसन नहीं कहते इसको। लेसन लेसन ये लूसन है। यार इसके बाद बड़ा कमाल का लेसन है भाई, ये सुन ले आप भी हैं, ये लेसन है इसके पास। इसके पास सिर्फ ऐसे ही लेसन होते हैं, इसके पास काम के लेसन होते हैं, जो खाने के, इस खाने पे सोच इसकी जाती है, इसकी सुई हमेशा उधर ही अटकती है। रेडियो वाज एफ एम 105 को ट्यून करने का बहुत शुक्रिया सामीन, और आपकी जो बातें यहाँ पर हैं वो मैं पढ़ भी रहा हूँ। तहमीना कहती हूँ आरजे आपने मेरा सॉन्ग अभी तक नहीं प्ले किया, नशा हो गया भाई, सानू इश्क तेरे दा नशा हो गया वे, सानू इश्क तेरे दा नशा हो गया वे, सानू इश्क तेरे दा नशा हो गया। एक सॉन्ग है जी नशा हो गया, उसको हम जरूर सुनाएंगे जी तहमीना। अभी जो हम एंट्री लेंगे तो हम आपके सॉन्ग से ही लेंगे, इश्क तेरे दा नशा हो गया, डोंट यू वरी अबाउट इट। इसके बारे में आप किसी किस्म की कोई टेंशन ना लें और परेशानी ना लें। इसके सॉन्ग के साथ ही हम जो है प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आप मुझे अपने पसंदीदा पोएट्री सेंड कर सकते हैं, आप अपने पसंद के मैसेजेस मुझे सेंड कर सकते हैं, आप पसंद की बातें मुझे अपनी बता सकते हैं, और भी बहुत कुछ है, एंड एवरीथिंग विल बी फॉर यू। और यहाँ पर जो मुझे ऑनलाइन इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जितने भी हैं लिसनर्स मेरे हैं, उक्का ढोला याद आवे ना। ओके जी, मुझे एक और मैसेज रिसीव हुआ, मानी भाई कैसे हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मेरे जो है ना बहुत नाइस कजन कराची में बैठे आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके नाम कोई जो है प्यार भरी गजल कर दें और कोई सॉन्ग भी डेडिकेट कर दें। थैंक्स यू, इट्स महक फ्रॉम चंग, इट्स महक हियर, क्यूट। ओके महक जरूर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं जी, आपके सॉन्ग हम जरूर प्ले करेंगे। और हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन है कि हम आपका सॉन्ग प्ले ना करें, हम आपके सारे सॉन्ग्स, आपकी सारी विशेज, सारे डिजायर्स हम उसको जरूर फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं हम उसको पूरी करेंगे। और आपको एक और भी खास यहाँ पर बात बता दूं, रेडियो आवाज FM 105 जो है आपको बहुत सूट करता है, इसलिए सूट करता है क्योंकि झांग में सिर्फ एक रेडियो स्टेशन है। अन करीब ये होने वाला है कि हम जो है यहाँ पर जैसे लाइव टीवी शोज में आते हैं ऐसे आएंगे आपके पास, और यहाँ पर बड़ा चेंज आने वाली है, एक ड्रेस्टिक चेंज आने वाली है। और उस वक्त भी जो है ना आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, हमारे पास आपके जो जितने भी लिसनर्स होंगे ना, हमारे जो ओल्ड लिसनर्स होंगे, हम उनकी लिस्ट तैयार करेंगे, उनकी लिस्ट तैयार करने के बाद उनको हम गोल्डन वर्ड्स में उनके नाम रेडियो पर शाया कर देंगे। ये बात याद रखिएगा, मुझे आज भी याद है कि मेरे जो रेगुलर लिसनर हैं, जैसे अमीना मलिक हैं और शफकत महमूद हैं, शफकत सुल्ताना साहिबा हैं, रिफत है और सनम है, और इसके अलावा जो मेरे साथ सना है, और मतलब मुझे सारी एक लिस्ट मेरे पास तैयार है, मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं, उनके नाम तो मैंने बड़े संभाल के रखे हुए हैं,
और होंगे भी ऐसे। एस जी कोई हाल नहीं आपका, आरजे सही बोला आपने इनके बारे में। मैं तो इसके बारे में हमेशा बोलता रहता हूँ, पूरा पूरा जहान कहता सही बोलते हो तुम इसके बारे में, मैंने कभी गलत बोला ही नहीं है। क्या बोला मैं बता नहीं बताना अभी, चलो मैं केनु दसा होने जो इनके भी अनाउंस कर दो, उनके भी अनाउंस करो फिर कॉफी टाइम होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, इनके जो ऑनलाइन में यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ, मेरे साथ हैं रिफत जहरा, थैंक यू मच रिफत जहरा फॉर ट्यूनिंग रेडियो वाज एफएम 105। अभी था अभी 11 का टाइम, अभी तो बहुत टाइम चला है, अभी तो चल रहा है काफी मेरी जान, अभी तो एसटी कमर्शियल ब्रेक है यार, क्योंकि यार ये एसटी हमारे जो आप रेडियो पर कमर्शियल ब्रेक्स है ना, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं आपके लिए, आप इनको सुना करें, नई नई शॉप्स बनती हैं, नई नई ढंग में चीजें आती हैं और आप सुनते नहीं हैं तो फिर आप पछताएंगे, ठीक है ना। हम तो चाहते हैं कि हम आपको हर तरह से एंटरटेन करें, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपके दहलीज तक पहुंचा दें, आपके घर तक पहुंचा दें, आपके मैसेजेस, आपके पैगाम, आपके हाँ, जैसे जान से रहे पिंडी वाल मशहूर, उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था, लेकिन कौन चलता है यार, दो चार कदम चलते हैं लोग भी रुक जाते हैं। खैर यहाँ पर सॉन्ग है जी, तहमीना मलिक आपने मुझे फरमाइश की थी ना, तो वो मैं सॉन्ग जनाब अब प्ले करने वाला हूँ, आपने मुझे कहा था जी सॉन्ग प्ले कर दें और नशा हो गया। नसीबो लाल और जो है सलमान करीर की आवाज में एक सॉन्ग है नशा हो गया, हाय क्या बात है भाई, हाँ जी लेट्स एंजॉय द ट्रैक, एंड द ट्रैक इज वेरी स्पेशल इन द वॉइस ऑफ सलमान कदीर एंड आल्सो इन द वॉइस ऑफ नसीबो लाल। नो सुनिएगा पहले, सजा हो गया वे तेनू इश्क तेरे दा, नशा हो गया वे तेनू इश्क तेरे दा, नशा हो गया वे मैनू दीना जीना जा हो गया। यस आमीन, सानू इश्क तेरे दा नशा हो गया, इश्क का नशा तो फिर बहुत गलत होता है। और मेरे साथ है ये मानिक भाई, कैसे हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैंने बहुत नाइस कजन कराची में बैठे हैं आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके नाम कोई प्यारी सी गजल कर दें और कोई अच्छा सा सॉन्ग भी उनको डेडिकेट कर दें। इट्स महक हेयर फ्रॉम जंग, थैंक यू वेरी मच महक फॉर ट्यूनिंग रेडियो वाज एफएम 105। हमारे साथ हैं ये एस डी, आपकी आवाज ही नहीं हंसी भी बहुत प्यारी है। आहा क्या बात है, क्या बात है जी, क्योंकि आपको जोगिया सॉन्ग अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा था ना, इसलिए अच्छा ये एसडी के लिए है, फर्ज निभाते रहे वो कर्ज चढ़ाते रहे। ओके जी, और ये अर्श से फर्श पर दे मारा एसडी, कर्ज चाहते रहे एक, अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर एसडी के लिए हम फर्ज निभाते रहे वो कर्ज चढ़ाते रहे, एक नुक्ते ने अर्श से फर्श पर दे मारा। क्या बात है, इट्स एस जी, आप एस डी हो और ये एस जी है, कोई रोला है। मैं बता दूं आज भी सारे लिसनर सुन ले बड़े तवज्जो से, एस डी को मोहब्बत हो गई है,
एसपी को प्यार हो गया, आज जो मुझे सोन हलवा ये खिला रहा है ना, मुझे कहता है सोन हलवा खिलाना है, नहीं अब कैंसिल हुआ सिद्धे फेर। हाँ ए हाँ गजल जी कराची वाले कजन के लिए, और फिर आपका भी सॉन्ग दोबारा जरूर प्ले करेंगे। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था, वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था, वो जल्दबाज खफा हो के चल दिया, वरना तनाज़ात का कुछ हल निकल भी सकता था, अना ने हाथ उठाने नहीं दिए, वरना मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था, तमाम उम्र तेरा मुंतजिर रहा, ये और बात कि वो रास्ता बदल भी सकता था, तमाम उम्र वो तेरा मुंतजिर रहा, ये अलग बात कि वो रास्ता बदल भी सकता था। वो सामीन रास्ता बदले भी जा सकते हैं, तो बातें हो भी सकती हैं, लेकिन ख्याल रहे कि ऐसा जो लोग ही ना करते, कहते हैं हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे वो बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं, हिजरत नहीं करते हैं, मर जाते हैं, उधर ही रहते हैं। वरना जो हंस होता है ना, हंस को इसलिए कहते हैं ना कि कावां दे पुत्तर कभी हंस नहीं बनते, भावें मोती चोग चुगाइए। ये हंस इसलिए कहा कि हंस बड़ा वफादार परिंदा होता है, ये जिस जगह पे बैठता है ना, जिस तालाब पे जाता है, ये जगह नहीं बदलता है। वो तालाब अगर बहता रहे तो वो भी उधर ही रहता है, पूरी उम्र गुजार देता है। अगर वो तालाब खुश्क हो जाए, वहां मछलियां ना रहे, वहां खुराक चारा ना रहे, वो तब भी उसी तालाब पे बैठा रहता है, वो तालाब नहीं छोड़ता, वो अपनी जगह नहीं बदलता, वो अपना ठिकाना नहीं बदलता, भूख से मर जाता है, अफलास से मर जाता है, प्यास से मर जाता है, लेकिन वो नहीं छोड़ता, वो ठिकाना नहीं छोड़ता, वो जगह नहीं छोड़ता, वो दिल लगी नहीं छोड़ती। इसलिए कहते हैं कि कावां दे पुत्तर कभी हंस नहीं बन दे, भावे मोती चोग चुगाइए, हंस में वो वफा है। तो कहने ने कि खारे खूह कभी मिठे नहीं बन दे, भावे मना गुड़ पाइए। तो वो कहता है कि सप्पां दे पुत्तर कभी मित्र नहीं बन दे, भावे चुल्हियां दुध पियाइए, तो बाजार की कंजरी कभी घर की नहीं बनती, भावे चम का गोश्त खवाइए। तो सामीन हंस जो हंस है ना, बड़ा वफादार परिंदा, तो हंस जैसी क्वालिटियां रखें, हंस जैसी खूबियां रखें। आप इंसान हैं और परिंदों से हमें मिसालें देनी पड़ती हैं। इंसान, आपको पता है कि इंसान को गोश्त हराम क्यों है, इंसान का कत्ल हराम क्यों है, हम मस्जिद हराम को मस्जिद हराम क्यों कहते हैं, मस्जिद हराम को इसलिए कहते हैं कि उसकी हुरमत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर गलत बात करना है, वहाँ पर कत्ल व गारत करना हराम करार दे दी थी, ठीक है, वहां पर ऊंची आवाज में बोलना हराम करार दे दिया था, उसकी हुरमत की वजह से उसको हराम, मस्जिद हराम कहा जाता है। और इंसान भी हराम इसलिए कहा जाता है कि ये इतना हलाल है, इतना हलाल है कि इसकी हलालियत की हुरमत की वजह से इसको हराम करार दे दिए कि इसका खून करना हराम है, इसको गाली देना हराम है, ठीक है, इसका गोश्त हराम है, इसलिए इसको हराम करार दे दिया कि कोई शख्स इसका गोश्त ना खाए, कि कोई शख्स इसको गालियां ना बके, कोई शख्स इससे लड़े ना, इसलिए इसको हराम कहा गया है। हराम जिन चीज़ों के साथ इनके साथ लगा है, मस्जिद हराम है, इंसान भी हराम है, तो वो इसलिए इंसान को हराम इसका गोश्त है कि इसकी हलालियत की वजह से इसको हराम करार दिया। इंसान तो वफा का पैकर होता है अगर हो इंसान, लेकिन इंसान बनना बहुत मुश्किल है। वो फरमाते हैं कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा, इसमें मेहनत चाहिए, इसमें लगन चाहिए। इंसान तो वफा का पैक करें, हमने तो वफाएं छोड़ दी हैं, हमने तो मोहब्बतें छोड़ दी हैं, आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, आज दोस्त दोस्त नहीं रहा। कितने वाकयात पढ़ते हैं, फलां दोस्त ने दोस्त को मार दिया, दोस्त को बहला के ले गया, उसको कत्ल कर दिया, दोस्त से पैसे की खातिर उसको मार दिया। हम दोस्त भी बनाते हैं, खंजर भी लिए बैठे होते हैं, सीनों में छुपाए होते हैं, मिल रहे हों हाथ और दिल में हो रंजिशें, मिल रहे हो हाथ और दिल में हो रंजिशें, दोस्ती जनाब अभी ये जेरे गौर है। ऐसी दोस्तियां जेरे गौर होती हैं, और इंसान को इंसान की पहचान नहीं रही, इंसान को जब अपने रब की पहचान नहीं रहती, तो इंसान को इंसान की पहचान कहाँ रहती है। सबसे पहले तो
इंसान की अजमत को पहचानो, इंसान की रिफत को पहचानो, इंसान के मेयार को पहचानो, इंसान के स्टैंडर्ड को परखो, फिर देखो आप अपने ख्यालात हमें सौंप कर तो देखो। हैं, शायर कहता है कि आप अपने ख्यालात हमें सौंप कर तो देखो, हर शख्स अमानत में खयानत नहीं करता। हर शख्स जो है खयानत नहीं करने वाला होता, हर शख्स बेवफा नहीं होता। हम जनाब सारी औरतों को बकना शुरू कर देते हैं, ये औरत ठीक नहीं है, हैं औरतें होती हैं ऐसी हैं, इंसानों के बारे में बकवास शुरू कर देते हैं हम करने कि ये इंसान ठीक नहीं होते, ये मर्द होता ही बेवफा है, मर्द में तो वफा होती नहीं है, मर्द की नेचर ही कुत्ते वाली होती है, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। खुदा का नाम आने, अब मर्द को आपने जाना कहाँ है? मर्द जितनी मोहब्बत आप मर्द को देंगे, इन रिटर्न उससे पता नहीं कितने गुना आपको ज्यादा देगा। आप मोहब्बत करने वाले तो बन जाए। आप बीवियां मैंने देखी हैं, आप यकीन करें शोहर के आने पर मुंह बना के बैठी होती हैं। आप शोहर आए उसकी खिदमत करें, उसके पांव दबाएं, उसके पास बैठे बन संवर के रहें। मैं देखता हूँ कि शोहर आपका मुरीद कैसे नहीं होता है। तजर्बा बोल रहे हैं? नहीं सुने माँ, ऐसी बड़ी प्यारी बात है। मुझे यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन हुआ, सर ने कहा कि जो तलाक का टॉपिक चल रहा था, एक बच्चा बोला कि सर अगर कोई गुस्से में तलाक दे दे तो, और सर ने कहा बेवकूफ और जाहिल इंसान, तलाक होती गुस्से में है। कभी किसी ने प्यार से भी किसी को तलाक दी है? तलाक तो होती गुस्से में। मुझे ये बताओ, सर कहते कि आप घर में आए और आके आपकी बीवी आपको मक्खन के साथ रोटी दे, आपके पांव दबाए, आपके सर में तेल मारे, तो आप क्या कहेंगे कि जा मैं तुझे तलाक देता हूँ? और तलाक तो दी गुस्से में जाती है, तो गुस्सा नहीं ना चढ़ाना चाहिए। औरतों को मैंने देखा है बाजारों में जाना तो बन संवर के निकलती हैं जनाब, हैं ठाठ बाठ के साथ निकलती हैं, हैं जनाब पड़ोसी के घर जाना है तो बड़ा बन ठन के जाना है जी, दुपट्टा चादर नहीं लेके जानी है। और जब शोहर ने खा रहा तो कहती छड़ परे हूँ सोना ही है, पुराना सूट पा लो काट के, कोई छड़ परे जी सूट दफा करो, कितने कड़ा सी जाना वहां कितने आन जान वास्ते रखे सूट। अरे खुदा का नाम माने, अब वो शोहर जो सारा दिन काम से थक हार के आता है, सारा दिन मेहनत मजदूरियां करके आता है, तो बाद में आगे आके एक अच्छी बीवी तो बना, वो अच्छा शोहर बन के दिखा देंगे। मैं सिर्फ शोहरों की यहाँ पे फेवर लेने के लिए बैठा हूँ। जो कुछ होते हैं ऐसे भी हैं जो नहीं सही होते, लेकिन कुछ शोहर जो होते हैं मोहब्बत वाले, और कुछ औरतें देखी हैं मैंने, हैं मोहब्बत की पैकर होती हैं, वफा की पैकर होती हैं। वो आओ मैं तुम्हें कहाँ से एग्जाम्पल्स दूँ, इनकी मिसालें दूँ। हमारे जो सहाबा हैं उनकी लाइफ को पढ़ो, हमारे औलिया की लाइफ को पढ़ो, फिट हो जाएंगे हैं। और मैंने पढ़ा कि नबी करीम सल्लम जहाँ से हज़रत आयशा मुंह लगा के पानी पीती थी, वहीं से आप अपने होंठ लगा के पानी पिया करते थे। हैं मोहब्बत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हमारा कोई शोहर ऐसा करे कि तेरा रानी मुरीद हो गया जी, ऐ तो जी ये कर दे जी, भाई तुसी मोहब्बत करने वाले तो बन जाओ, फिर देखो तमाशे क्या लगते हैं। खैर मैं कोई यहाँ पर कोई इस्लामिक आपको दर्स नहीं देने बैठा हूँ, कि मैं सिर्फ रियलिटीज बयान कर रहा हूँ, यहाँ पर हकायक बयान कर रहा हूँ, हकीकतें बयान कर रहा हूँ, और हकीकत पसंद बन जाओ। मोहब्बत इंसान वफा का पैकर है, इंसान में तो वफा कूट कूट के भरी हुई है। आप तो इंसान तो बने ही पहले, हम में इंसानियत ही नहीं है। आप यकीन करें हमें सिर्फ धोखे हैं, हमारे पास सिर्फ फ्रॉड है, हमारे पास सिर्फ चीट करना है लोगों को, धोखे देने हैं, फ्रॉड करने हैं, लोगों के दिल दुखाने हैं, तो फिर कहाँ हम इंसान हैं, इंसानियत के दर्जे पर हम कहाँ फाइज हैं। अल्लाह ने कहा सबसे बेहतरीन, किसी ने पूछा कि ये किस्मत फेट मुकद्दर लक क्या होती है, ऐसी बड़ी प्यारी बात किसी ने कह दी कि यार, किसी ने पूछा कि यार ये किस्मत मुकद्दर लक क्या होता है, फेट क्या होती है, ये डेस्टिनी क्या होती है, तो उस शख्स ने कहा कि आओ मैं बताता हूँ कि मुकद्दर क्या होता है, किस्मत क्या होती है। कहता है कि करोड़ों अरबों आबादी में अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों के घर पैदा कर दिया है, ये मुकद्दर ये किस्मत है। फिर मेरे कान में अजान आई, पता लगा कि मैं मुस्लिम हूँ है। फिर उससे बढ़कर ये कि मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बना दिया है, और इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती है, मुकद्दर क्या है हमारा कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बना दिया है। पैदा किया होता ना आपको यहूदियों के दौर में, पैदा किया होता आपको ईसाइयत के दौर में है, आज पीछे नेशंस में खड़े होते हैं। हम तो वो नेशन है कि जो अल्लाह ताला पर बगैर देखे ईमान ले आए, नबी सल्लम पर बगैर देखे ईमान ले आए, और फिर हमारी तो जो फजीलत ही बड़ी है हमारा, हम मुकद्दर की बात करते हैं, फिर लोग कहते हैं यार साड़ी किस्मत ही थकी हुई है। तो आप यकीन करें इंसानों से मोहब्बत करें, ठीक है, और मोहब्बत में मुखलिस हो जाएं, सिंसेयर हो जाएं अपने घर के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने आप के साथ, और जिससे मोहब्बत करते हैं खुदा रहा उससे सिंसेयर हो जाएं। ये कवारा हुआ कोई मेरे तरह
तू तेरे वर्गे दिल ही कोई नहीं, एसडी आवारा जरूर है, दिल इसमें जरूर है, लेकिन अभी तक कमाल। इसका किसी पे आया नहीं है। जिद्दन आ गया ना, वो कुड़ी दी खैर कोई नहीं है, मतलब फुल फ्लैट उसते गिर जाना है। तो जिन्ना इधर वेट है, जे डिग गया ना कुड़ी ते, तो नतीजे ते नताइज जिम्मेदार आप पे हो। इस वास्ते जड़ियां मेरे भैन सुनदियां पई हां, ते तो ठीक है ना, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत तो ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रजू करें। ठीक है, अपना सामीन ख्याल रखिए, यूट्यूब से आपसे अल्लाह हाफिज कहते हैं, खुदा हाफिज कहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट मुलाकात आपसे जुमेरात रात 10 से 12 बजे होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड बाय एंड टाटा नाउ। अब आपसे खुदा हाफिज चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज कहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो हमें जरूर याद रखिएगा।